कुछ आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए. जरा देखते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट समझने के लिए पहले हमें एक डॉक्ट्राइन समझने की जरूरत है, जिसे हम कह सकते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. मेरी वीडियो भी एक बार उसको देख लेना, फिर भी मैं बताता हूँ. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी के MOA एंड AO की नॉलेज होती है. डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? जो भी पर्सन कंपनी के MOA एंड AO के साथ डील कर रहा है उसको कंपनी के किसकी नॉलेज है बेटा? उसको कंपनी के MOA एंड AO की नॉलेज है. लेकिन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट थोड़ा सा इसका आगे एक्सटेंशन है या इसका एक एक्सेप्शन है. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि साहब, हम तो ये तो मान लेंगे कि अगर कोई पर्सन कंपनी से डील कर रहा है उसको कंपनी के MOA की नॉलेज होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर्स को या कंपनी को जो कंपनीज के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने जो रेगुलरिटीज कह रखी है, जो इंटरनल कंपनी की रेगुलेशंस है, क्या कंपनी ने फॉलो करी है या नहीं करी, इसके बारे में उसको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है. एक बार है ना, इस चीज को ध्यान से देखना. मैंने पहले थोड़ा सा लिख रखा था ताकि मैं आपका टाइम बचा पाऊं. इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनना. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि साहब, अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एंड MOA की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन उनके अनुसार जो आपको रेगुलरिटीज पूरी करनी है उसकी नॉलेज होना जरूरी नहीं है. यानी अगर कंपनी ने कहा हुआ है कि डायरेक्टर्स ये काम कर सकते हैं बशर्ते स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया हो, आपके पास अगर डायरेक्टर आते हैं तो आप ये अज्यूम कर लोगे डायरेक्टर्स ने उन रेगुलरिटीज को पूरी कर ली है. बड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं. कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो लिखा होता है कि कंपनी को अपने शेयर होल्डर की परमिशन ले लेनी चाहिए. अब जब कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो आप क्या अज्यूम कर लेते हो? कंपनी ने शेयर होल्डर की परमिशन ऑलरेडी ले ली होगी तभी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है. आप ये अज्यूम कर लेते हो नहीं कर लेते हो? यस बेटा जी, आप ये अज्यूम कर लेते हो. क्योंकि हम तो कंपनी के साथ बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं. हम कंपनी के इंटरनल रेगुलेशन के बारे में इंक्वायरी करने के बारे में नहीं बैठे हुए. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्केंड रूल से भी जाना जाता है. डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को टर्केंड रूल से भी जाना जाता है. या मैं बात कहूं, यह डॉक्ट्राइन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के फेवर में होता है. यह डॉक्ट्राइन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के फेवर में होता है. सर, यह डॉक्ट्राइन कहता क्या है? बेटा जी, जरा ध्यान से सुनो. आइए इस डॉक्ट्राइन को जरा देखते हैं. कहता है ये डॉक्ट्राइन टर्केंड रूल के नाम से क्यों जाता है? क्योंकि ये डॉक्ट्राइन निकला था रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्केंड के केस में. सर, ध्यान से समझना ये केस. कंपनी के AO में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स जो है लोन ले सकते हैं लेकिन शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए. डायरेक्टर लोन ले सकते हैं बॉन्ड्स इशू करके लेकिन शेयर होल्डर की परमिशन चाहिए. डायरेक्टर्स ने लोन ले लिया मिस्टर टी से और उनको बॉन्ड्स इशू कर दिए लेकिन डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर की परमिशन नहीं ली. टी साहब को इस बारे में पूरा पता था कि डायरेक्टर लोन ले सकते लेकिन शेयर होल्डर की परमिशन लेके, लेकिन उनको इस बारे में नहीं पता था डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर की परमिशन नहीं ली है. यानी उन्होंने गुड फेथ में उन बॉन्ड्स को एक्सेप्ट कर लिया था. आई रिपीट वंस अगेन, क्या लिखा हुआ है कि कंपनी के बारे में लिखा हुआ है कि कंपनी मिस्टर टी क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं. किससे ले सकते हैं?
कंपनी से मिस्टर टी क्या ले सकते हैं, सॉरी कंपनी क्या ले सकते हैं, मिस्टर टी से लोन ले सकती है, लेकिन ये बात कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है, कंपनी किसी से लोन ले सकती है बॉन्ड्स इशू करके, लेकिन उसको शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी शेयर होल्डर से रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ, डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर की अप्रूवल के बिना, डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर की अप्रूवल के बिना मिस्टर टी से लोन ले लिया और उनको बॉन्ड्स इशू कर दिए। मिस्टर टी ने जो बॉन्ड्स थे उनको गुड फेथ में एक्सेप्ट कर लिया। मिस्टर टी को नॉलेज थी एमओयू की, लेकिन उनको इस बारे में नहीं पता था कि डायरेक्टर्स ने परमिशन नहीं लिया। अब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा मिस्टर टी के पास पूरा राइट है, वो कंपनी के ऊपर सू कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। मिस्टर कोर्ट ने कहा टी साहब ये अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल कर दी गई है, यानी टी साहब ये अज्यूम कर सकते थे कि रेजोल्यूशन पास कर दिया होगा। यह बहुत क्लियर पॉइंट है ना, आप जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और यहां पे मैंने शावेज आलम क्लासेस के बारे में लिख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप ये बात तो अज्यूम कर लोगे ना, शावेज आलम क्लासेस हैज ऑथराइज्ड मी कि मैं जो है शावेज आलम क्लासेस का नाम यूज कर रहा हूं। तो सर आपको क्या पता कि शावेज आलम क्लासेस ने मुझे ऑथराइज किया है या नहीं, कि आप तो अज्यूम कर लोगे क्योंकि आप तो एक थर्ड पार्टी हो, आप तो मेरे साथ बिजनेस करने के लिए आए हो, आप तो मेरे साथ क्या करने के लिए आए हो, बिजनेस करने के लिए आए हो। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट मिस्टर टी क्या कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। किसको सू कर सकते हैं, कंपनी को सू कर सकते हैं, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स के बेसिस पे। एज पर द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर दी गई है, फुलफिल कर दी गई है। दैट इज हम ये एज्यूम कर लेंगे जो रेजोल्यूशन है वो पास कर दिया गया है, यानी मिस्टर टी जो है क्या कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। यहीं से नाम निकला डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, जिसमें यह कहा गया कि अगर आपको कंपनी के एमओए एंड एओए की नॉलेज है तो आपको इंटरनल आपको इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। यहीं से डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट निकला, जिसका नाम रखा गया टर्केंट्स रूल। लेकिन हर जनरल रूल के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ऐसे ही इंटरनल इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, फर्स्ट है नॉलेज ऑफ एयर रेगुलरिटी। क्या कहते हैं, कहते हैं कि यार अगर आपको पता है कंपनी ने इरेगुलरिटी कर रखी है, अगर आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर तरीके से क्या नहीं किया है, कंपनी के अंदर इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है जो उस चीज को करने के लिए जरूरी थी वो कंपनी ने फुलफिल नहीं की है, स्टिल आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप जो है इन डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कहानी ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते। यानी इफ अ पर्सन हैज द नॉलेज अबाउट द इंटरनल इरेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग्स एज रिक्वायर्ड बाय एमओए एओए देन ही कैन नॉट क्लेम द बेनिफिट अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर बेनिफिट क्लेम नहीं कर सकता। देयर इज अ केस ऑफ हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अगर मैं हिंदी में लिखवाऊं तो हिंदी में भी मैंने लिख रखा हूं, अगर थर्ड पार्टी को पहले से पता है कि रेगुलेशंस ऑफ एओए फुलफिल नहीं है तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकता। डॉक्ट्राइन ऑफ हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सर इस डॉक्ट्राइन में क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना। कंपनी है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर साहब है वो 10,000 रुपए तक बोरो कर सकते हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात क्लियर कट लिखी हुई है, जो डायरेक्टर साहब है वो कितने तक बोरो कर सकते हैं, 10,000 रुपए तक बोरो कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ किसकी, मेंबर्स की। अब डायरेक्टर साहब ने ही कंपनी को 35,000 रुपए दे दिए, डायरेक्टर साहब ने ही कंपनी को 35,000 रुपए दे दिए और शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ली। अब एक बात बताओ, आपको पता है ना
कि कंपनी 10,000 तक ही ले सकती है उधार, आप खुद ही कल्प्रेट बन रहे हो, तो उस केस में कंपनी कितने तक के लिए लायबल है? कंपनी सिर्फ 10,000 के लिए लायबल है, उससे ज्यादा के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स को खुद ही नॉलेज थी किसकी, इररेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग्स की, क्योंकि यहां पे डायरेक्टर्स को खुद ही नॉलेज थी किस चीज की, इररेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग्स थी। आई गेस बेटा यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर बेटा सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्शंस में नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या कहता है, अगर कोई पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है और वो इरेगुलरिटी बहुत आसानी से फाइंड कर सकता था सिर्फ कंपनी से इंक्वायर करके। सपोज कोई अकाउंटेंट आपके पास आके कहता है कि मुझे कंपनी ने ऑथराइज किया हुआ है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, और आप उस अकाउंटेंट की बातों में आके कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। अरे भाई कंपनी कैसे किसी अकाउंटेंट को ऑथराइज कर सकती है, क्योंकि अगर आप जरा से इंक्वायरी करते तो आप क्या कर पाते, आप इजीली फाइंड कर लेते। किस चीज को फाइंड कर लेते कि भाई यहां पे तो गड़बड़ है, कंपनी को अकाउंटेंट को ऑथराइज किया ही नहीं हुआ। यानी अगर आप थोड़ी सी डेलिजेंटली काम करते तो आप जो इंटरनल इररेगुलरिटीज को, आप उस चीज को पकड़ पाते। इट वॉज अ केस ऑफ आनंद बिहारी वर्सेज दिनशा एंड कंपनी, जिसमें एक अकाउंटेंट थर्ड पार्टी के साथ कहता है कि मुझे कंपनी ने ऑथराइज किया है कि मैं जो है कंपनी के बिहाफ पे सामान बेच सकता हूँ। कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि अकाउंटेंट जो है कंपनी की प्रॉपर्टी कर सकते, क्योंकि अगर आप जरा सी इंक्वायरी करते तो आप इस बात को पकड़ सकते थे। यानी अगर नेग्लिजेंस का केस है तब भी आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं ले सकते। बेटा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यू मस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। यानी अगर आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की नॉलेज नहीं है तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या नहीं ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते। इट मीन्स दैट कि इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ एमओए एंड एओए ओनली देन यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। यानी आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की नॉलेज नहीं है तो आप जो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का क्या नहीं ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते। सेकेंड आ गया फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब है झूठे साइन कर लेना। इट वॉज अ केस ऑफ ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी। बेटा ये जो हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का केस पढ़ा है ना, दैट इज द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में ये आता है। ये सेकेंड जो केस स्टडी बन के आती है वो आती है ग्रेट फिंगल कंपनी की। सर ये केस समझ लेना, ये केस क्या है, ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी। हाँ बेटा ये मेरा पेट है, इस तरीके से करना। आई लव माई बियर्स एंड माई माउस्टेक्स। ओके सर 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 पढ़ा लो। हाँ बेटा पढ़ा रहा हूँ। ग्रेट फिंगल कंसोलिडेटेड कंपनी। सर इस केस में क्या है, देखिए जरा इस केस के अंदर क्या है। सर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी का जो कोई भी शेयर सर्टिफिकेट होगा उसको 2-3 लोग साइन करेंगे। एक सेक्रेटरी करेगा, एक वर्किंग डायरेक्टर करेगा और एक एमडी करेगा। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी के जो भी शेयर सर्टिफिकेट होंगे उसको 3 लोग साइन करेंगे, उसमें एक सेक्रेटरी करेगा, एक मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा और एक वर्किंग होल टाइम डायरेक्टर करेगा। मिस्टर एक्स ने पे किया मनी सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिए, जिसमें सेक्रेटरी ने क्या करा, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर के साइन फोर्ज कर दिए। मिस्टर एक्स ने ले लिया शेयर सर्टिफिकेट, उनको थोड़ी ना पता है कि यहां पे साइन फोर्ज करे हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी मेरे सिग्नेचर फोर्ज करेगा क्या मैं लायबल हो जाऊंगा क्या? नहीं बेटा। कल को कोई आपके पापा की प्रॉपर्टी झूठे साइन करके बेच देता है, क्या वो वैलिड होगा? नहीं। यानी यहां पे जो शेयर सर्टिफिकेट दिया है वो तो वैलिड है ही नहीं। आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कंपनी का हमें नहीं पता। नहीं भैया, जो झूठे साइन करे होते हैं वो वैलिड नहीं है। यहां तक इतना पता चल गया, मैंने आपको पहले बता दिया शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। अब क्या होता है, मिस्टर एक्स जो है वाई के पास जाता है, वाई मुझे पैसे चाहिए। वाई कहता है ठीक है भाई, अब मुझे कुछ सिक्योरिटी रखवा। मिस्टर एक्स कहता है ठीक है, एक काम करो कंपनी के शेयर्स रख लो मेरे। ठीक है शेयर्स रख देते। मिस्टर वाई कहता है भाई ठीक है शेयर्स रखवा दे, प्लेज कर दे। मिस्टर वाई लोन देते हैं। एक्स साहब जो थे वो डिफॉल्ट करते हैं। एक्स साहब जो थे वो क्या करते, डिफॉल्ट करते थे। वाई कहता है भाई पेमेंट कर दे। कहता भाई मैं पेमेंट नहीं कर रहा। भाई कहता है भाई मैं शेयर्स अपने नाम पे करवा लूं।
कहता है करवा ले। अब वाई जो है कंपनी के पास जाता है, कहता है भैया ये शेयर्स है एक्स के जो उसने मेरे पास प्लेच करे थे, अब आप इन शेयर्स को मेरे नाम कर दो। कंपनी कहती है मिस्टर वाई सुनो, ये शेयर्स वैलिड नहीं है क्योंकि यहां पे तो हमारे एमडी और वर्किंग होल टाइम डायरेक्टर के साइन फोर्ज है, ये शेयर सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है। अब वाई जो है कंपनी को केस करता है, कहता है नहीं नहीं कंपनी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, हमें नहीं पता, कानून कहता है, कानून कहता है नहीं कंपनी लायबल नहीं है। अगर कोई भी बंदा कंपनी के नाम पे फोर सिग्नेचर करेगा कंपनी लायबल नहीं है, जिस बंदे ने फोर सिग्नेचर करे हैं आप इसको लायबल ठहरा सकते हो क्योंकि फॉर्जरी जो है वो वॉइड एब इनिशियो होती है, फॉर्जरी कभी भी वैलिड नहीं होती। बेटा जी बात समझ में आ गई ना। अब कुछ ऑथर्स क्या करते हैं, चौथा एक्सेप्शन लिखवाते हैं नॉन नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स। तो बेटा वो तो क्लियर कट बात है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट चलता ही वहीं से है कि भैया अगर आपको आर्टिकल्स की नॉलेज है तभी आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लगा सकते। यानी किसी को आर्टिकल्स की नॉलेज नहीं है तो आप डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर एक्सेप्शन नहीं बना सकते। बेटा ग्रेट फिंगल कंपनी का केस एक बार और सुन लेना, जिसमें यह कहा गया जो भी एम्प्लॉयज के द्वारा फॉर्जरी करी जाती है, यानी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स एम्प्लॉयज अगर फोर्ज सिग्नेचर करते हैं उसके लिए कंपनी लायबल नहीं रहेगी। यानी यहाँ पे जो शेयर सर्टिफिकेट जो झूठा साइन किया था सेक्रेटरी के द्वारा वो वैलिड नहीं था बिकॉज दैट इज अ वॉइड एब इनिशियो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके बेटा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में। प्लीज गाइज मेक श्योर दैट यू मस्ट लाइक माई वीडियो, अगर डिसलाइक है तो प्लीज मुझे पर्सनली जरूर मैसेज करना, मुझे फीडबैक्स देना सर मेरी वीडियो में कहाँ कमी है। और सून वी आर कमिंग इन द ऑनलाइन मोड, आपको जल्दी ही मेरी वीडियो जो है अपनी आपकी मार्केट्स मिल जाएगी। एंड प्लीज लाइक माई पेज, प्लीज सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट्स। सूनर ऑडिट इज कमिंग, ऑडिट आने वाला है कल और परसों के अंदर शायद ऑडिट आ जाएगा। तब तक ले बाय, टेक केयर, शब्बक है, जय हिंद दोस्तों।